नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब्बास की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अब्बास की जमानत पर फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच से आएगा। दरअसल अब्बास पर जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने का आरोप है। इसी मामले में दर्ज एफआईआर पर कोर्ट का आज फैसला आएगा। अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ शाजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जियों पर भी हाईकोर्ट का फैसला आएगा। आपको हम बता दें कि इस मामले में सुनवाई पूरी पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने 1 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। मामले के मुताबिक गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फकर खान ने 12 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। ये एफआईआर माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन और पैसे हड़पने और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के जरिए 2012 में अबू फकर खान को लखनऊ जेल बुलवाया, उसकी जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी। आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और 4 लाख कैश देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उससे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रजा और शाजिल इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलीलें पेश की हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।